नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोषण अभियान की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि पोषण अभियान का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, जो कि 8 से लेकर 14 सितंबर के बीच आप लोगों का ये अभियान चलने वाला है दूसरा सप्ताह। तो हम लोग इस दूसरे सप्ताह में इस नए थीम के अनुसार पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे 5 एक्टिविटियाँ कौन सी सिलेक्ट करेंगे, आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसा कि जो दूसरा सप्ताह आप लोगों का यहाँ पे शुरू हुआ है, वो थीम जो है वो यहाँ पे नया थीम पोषण भी पढ़ाई भी का एक नया थीम आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस थीम के अनुसार जो एक्टिविटियाँ दी गई है पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आप लोगों को जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर समझ लेंगे कि हमें इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो पोषण अभियान के जो दूसरा सप्ताह है उस थीम में पोषण भी पढ़ाई भी के थीम के अनुसार हमें जो एक्टिविटी है वो करनी है, ठीक है। साथ ही साथ हमें और भी एक्टिविटीयां जो है वो करनी है, तो हम लोग सारा चीज़ पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं पोषण भी पढ़ाई भी जो नया थीम है, इसके अनुसार कौन सी एक्टिविटी को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सप्ताह है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी जो दिया गया है, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा चौपाल का आयोजन आप लोग इस थीम के अनुसार कर सकते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे खेलों और सीखो के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में समुदाय व खेल व खिलौना आधारित गतिविधि को आप लोग वहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। बच्चों एवं उनके माता पिता को खेल व खिलौना आधारित गतिविधि को करने एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के महत्व से अवगत आप लोग करा सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं उनके माता पिता के साथ खेल आधारित गतिविधि को कर सकते हैं, जैसे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जो बच्चे हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके साथ भी मिलकर आप लोग यहाँ पे एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खेल खेल में जो बच्चे सीखते हैं उसके बारे में ये एक्टिविटी कर सकती हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी है स्वदेशी खिलौना मेला का आयोजन कर सकती हैं, जैसे हमारे जो स्वदेशी खिलौने होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे स्टॉल लगा के बच्चों को स्वदेशी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के साथ बच्चों के सीखने में उपयोगी कम लागत बिना लागत सामग्री से स्वदेशी खिलौना बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि जिसमें बच्चों के साथ खेलकूद कहानियों के माध्यम से चित्र बनाना, रंग भरना और गिनती आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सके, कि बच्चे स्कूल जाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाए और उन्हें स्कूल के माहौल में समायोजित होने में आसानी हो। तो ये जो एक्टिविटियाँ हैं आप लोग यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी के जो थीम है उस थीम के अनुसार करेंगे। और यहाँ पर 1 से लेकर 30 तारीख तक जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चल रही है उसमें से आप लोग एक एक्टिविटी को करेंगे, तो ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे अब पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। और तो यहाँ से आप लोग अपना पोषण अभियान का जो लॉगिन पेज है उस पर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अगर इस लैंग्वेज को आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप लोग इस लैंग्वेज को चेंज कर लीजिएगा ताकि समझने में आपको आसानी हो। जैसे कि इंग्लिश से यहाँ पे हिंदी हो चुका है जो फॉर्म है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे थीम को चुनेंगे, जैसे कि जो थीम है आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा थीम खुल के आ जाएगा। हमारा जो अभी 8 से लेकर 14 तारीख के बीच जो थीम चलने वाला है वो है पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। ये चलेगा 8 से लेकर 14 तारीख के बीच, तो इसमें से आप लोग 1-2 एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो रोज़ थीम चल रहा है वो है विकास निगरानी, यानी 1 से लेकर 30 तारीख के बीच हमें विकास की ग्रोथ मॉनिटरिंग में से एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जन संवेदीकरण गतिविधियाँ, ये भी जो एक्टिविटी है वो आप लोगों का 1 से लेकर 30 तारीख तक चलने वाला है, तो इसमें से भी आप लोग 1-2 एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी का जो थीम है उस थीम के अनुसार 1 या 2 एक्टिविटी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम थीम चुन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेवल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आंगनबाड़ी स्तर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद यहाँ पे आप गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे, यानी गतिविधि को चुनेंगे, तो हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी का जो थीम चुने हैं उसके अनुसार शिक्षा और चौपाल का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ में सारा कुछ हिंदी में जो है उसको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग खेलो और पढ़ो का जो इवेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों अभिभावक और जो है आंगनबाड़ी सेविका के साथ जो खेल खेल में जो पढ़ाई है उसके बारे में कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्वदेशी
खेल खिलौना का जो मेला है वहाँ पे इसका आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने से पहले जो स्कूल पूर्व शिक्षा है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, स्पोर्ट डे का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इन एक्टिविटियों के अलावा और भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। शिक्षा चौपाल का आयोजन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तिथि सेलेक्ट करेंगे, यानी आज 9 तारीख है, तो यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग 9 तारीख का डेट। यहाँ पे भी हम लोग 9 तारीख का डेट सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस शिक्षा चौपाल में कितने लोग मौजूद थे, जैसे कि पुरुष, महिला और बच्चों की जो संख्या है यहाँ पे हम लोग डालेंगे, 6 महिला 4 बच्चे, 6 बच्चियाँ और 4 एडोलसेंट गर्ल्स। इस प्रकार से आप लोग अपने अनुसार जो वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उसमें कितने लोग मौजूद हैं उसकी संख्या आप लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोटो वगैरह वहाँ से क्लिक करते हैं तो इसको आप लोग यहाँ से अपलोड कर लेंगे और नीचे आके यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। तो चलिए, हमारा एक एक्टिविटी यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी को करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और विकास की निगरानी जो कि हमें 1 से 30 तारीख तक करनी है, तो इसमें से हम लोग एक एक्टिविटी को करेंगे। यहाँ से हम लोग आंगनवाड़ी स्तर सेलेक्ट करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र चुनेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गतिविधि पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है इसमें से कोई भी एक्टिविटी को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर आप लोग अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अदर पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से डेट सेलेक्ट करेंगे और अदर में अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग के अलावा भी कोई एक्टिविटी आप लोग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग वो संख्या डालेंगे कि उस एक्टिविटी में कितने लोग मौजूद थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे जो है दूसरे एक्टिविटी को आके यहाँ से आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अदर पर भी आप लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो अदर एक्टिविटी भी आप लोगों का यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, थीम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जन संवेदीकरण गतिविधियाँ, इसमें से हम लोग एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो एक्टिविटी आप लोग देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक्टिविटी को आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट डे का यहाँ पर आयोजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे, जो थीम और जो एक्टिविटी दी गई है उसमें से आप किसी को भी एक सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके जो यहाँ पे बच्चे और महिला का जो संख्या है आप लोग डालेंगे। इसमें यह नहीं है कि इतने ही आप लोगों को संख्या डालना है, आप अपने अनुसार जो बच्चे और जो महिला पुरुष वहाँ पर मौजूद हैं आप लोग यहाँ पर उस प्रकार से जो संख्या है आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारा 3 एक्टिविटी कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे कि जन संवेदीकरण गतिविधियाँ में से भी एक और एक्टिविटी को कर लेंगे, यानी कि हमें 3 थीम के अनुसार जो है 5 एक्टिविटी को करनी है। तो इनमें से हम लोग यहाँ पे 2 एक्टिविटी कर लिए, यहाँ से 1 एक्टिविटी कर लिए और यहाँ से भी हम लोग 2 एक्टिविटी करेंगे, तो हमारा 5 एक्टिविटी जो है यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर 3रा एक्टिविटी कर लिए हैं, 4था यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम साइकिल रैली प्रभात फेरी का जो है एक एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम लोग संख्या डालेंगे। फिर आके यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। तो हमारा 4 एक्टिविटी यहाँ पे सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। हम लोग फिर से क्या करेंगे, पोषण भी पढ़ाई भी का जो थीम है उस थीम के अनुसार हमें लास्ट एक्टिविटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम गतिविधि पे क्लिक करेंगे, तो गतिविधि पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर बच्चों को यहाँ पर ये स्वदेशी खेल खिलौने का आयोजन कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग डेट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आके हम लोग इसको संख्या डालेंगे, कितने बच्चे कितने महिला पुरुष जो है यहाँ पे मौजूद हैं वो संख्या डाल के हम लोग यहाँ पे आके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो
पांच एक्टिविटी है, तीन थीम के अनुसार हमारा पांच एक्टिविटी जो है वो सफलतापूर्वक तीन थीम के अनुसार कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग आज की एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।